अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप सबके साथ एक अमेजिंग बुक की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसका नेम है द टेल ऑफ बंजमी। ये एक पॉपअप बुक है, यानी कि जब हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। इस बुक के राइटर का नाम है बीट्रिक्स पोटर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है कि एक सुबह का वक्त होता है और एक बच्चा जिसका नेम है बेंजामिन बनी, यानी कि वो बेंजामिन एक खरगोश या छोटा सा, अपने कज़न और आंटी से मिलने के लिए जाता है। वो देखता है कि उसका कज़न जिसका नाम पीटर है बहुत ही उदास होता है और एक घने दरख्त के नीचे बैठा होता है। वो उसकी उदासी देख कर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। हम देखते हैं कि पीटर ने सिर्फ एक रेड कलर का हैंकरचीफ पहना हुआ है। पीटर अपने कज़न को बताता है कि उसके कपड़े गुम हो चुके थे और वो अब एक गार्डन में एक स्केयर क्रो के ऊपर हैंग है, जो कि एमसी ग्रीगर्स का हाउस है। बेंजामिन उसको कहता है कि उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे कपड़े उतार कर ले आते हैं। वो दोनों मिलकर उस गार्डन में पहुंचते हैं और बेंजामिन उसके कपड़े उतारने में मदद करता है। वो अपने कपड़े उतार कर पहन लेता है। इतने में बेंजामिन नीचे गिरे हुए प्याज को उस हैंकी में डाल लेता है जो पीटर अपने बॉडी पर से उतारता है। अचानक से क्या होता है, एक बिल्ली उनका पीछा कर रही होती है, उनकी जासूसी कर रही होती है। वो उनसे डर जाते हैं और एकदम एक बड़ी सी बास्केट के अंदर जाकर छुप जाते हैं। बिल्ली उस बास्केट के ऊपर बैठ जाती है और वो बिल्ली बहुत ही चालाक होती है और वो वहाँ पर 5 घंटे के लिए बैठी रहती है। वहाँ पर मिस्टर बेंजामिन और मिसेस बेंजामिन भी आ जाते हैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए। उन मिसेस बेंजामिन को कैट पर थोड़ा सा शक होता है और वो कैट पर हमला कर देती हैं। जब कैट वहाँ से भागती है तो बड़ी सी बास्केट के नीचे उनके दोनों बच्चे होते हैं, यानी कि पीटर एंड बेंजामिन। मिस्टर बेंजामिन यानी कि जो फादर होते हैं बेंजामिन के, वो उन दोनों बच्चों को घर ले आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डांटते हैं। बेंजामिन उस कैट का डट के मुकाबला करती हैं। जब पीटर अपने घर पहुंचता है, उसकी मदर उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो खुश हो जाती हैं उसको अपने कपड़े पहने हुए देख कर, जो कि बहुत पहले गुम हो चुके हैं। वो उन दोनों बच्चों को प्यार करती हैं। पीटर अपनी मदर को वो अनियंस देता है जो कि उसके कज़न बेंजामिन ने उसके हैंकी में डाल दिए थे। पीटर की मदर वो अनियन लेकर हैंग कर देती हैं अपनी किचन की सीलिंग पर और इस तरीके से ये स्टोरी हो जाती है एंड। इस स्टोरी से हमें व्यूअर्स ये सबक मिलता है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हालात जैसे भी हों, हमें किसी को भी उदास नहीं छोड़ना चाहिए।